सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंतजार करना बंद करो क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकती। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिए। आज का पंचांग 11 मार्च 2020 दिन बुधवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि दोपहर 3:33 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र सम 7 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 12:11 से 1:40 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अगर आज आप शुभ काम करने जा रहे हैं तो कल के लिए टाल दें। आज चंद्रमा कन्या राशि पर सुबह 5:35 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 11 मार्च 2020 दिन बुधवार, आज आप उन लोगों से दूर रहें जो आपकी जिंदगी में नकारात्मकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप काफी हद तक एक सकारात्मक इंसान हैं, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि नकारात्मकता किस कदर आप पर हावी होती जा रही है। प्रयास करें कि आप अपनी सकारात्मकता को खत्म ना होने दें। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। आपको अचानक यह लगने लगेगा कि जीवन में परिवार तथा करियर में संतुलन बनाना काफी आसान हो गया है। आपकी सारी हिचकिचाहट दूर हो जाएगी और आपके सब कामों में नया आत्मविश्वास दिखाई देगा। आप घर और कार्यस्थल पर किसी करीबी की असमंजस की भावना को भी आज दूर कर पाएंगी। परिवार के सदस्य घर पर समय का आनंद लेंगी। आप भ्रमण पर निकल सकते हैं और ट्रेनिंग गायन नृत्य के साथ गतिविधियों में समय बिता सकते हैं। आज के दिन बात बढ़िया रहेगा। काम के सिलसिले में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी जिससे मन करेगा कि नौकरी बदलनी चाहिए। व्यापार में उत्तम धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आप आज रोमांटिक मूड में रहेंगे और अपने प्रिय के साथ सुखी भविष्य के सपने सजाएंगे। दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव रहने की स्थिति बनेगी। कार्य में सफलता अर्जित करने के लिए भाग्य का साथ मिलेगा। किसी वरिष्ठ की सलाह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी और आप खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे। सावधानियां, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कारोबार में आर्थिक लाभ तो रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्च होने से आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। लेकिन अनावश्यक खर्च अधिक होने से आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। नकारात्मक विचारों को त्याग अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करें। लव लाइफ की बात करें तो आज के दिन बस मस्ती मजे और डिनर के लिए बहुत अच्छा है। आपके आसपास बहुत सारे लोग आपको आकर्षित करने के लिए मंडराएंगे, जिनमें से सब अपना स्वार्थ ही देख रहे हैं। इनमें से एक भी गंभीरता से सोचने के लायक नहीं है। हालांकि उनमें भी कोई एक आपका अच्छा दोस्त बन सकता है जिसके साथ आप प्लेटोनिक लेवल पर दोस्ती रख सकते हैं। करियर की बात करें तो आज आप एक ऐसे सफल पेशेवर से मिल सकते हैं जो आपका कार्य करने के लिए उपलब्ध सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन उसके साथ साझेदारी के गठन से पहले थोड़ा सावधान रहें। संभावना है कि वह कार्य के मध्य में अपनी दरों में वृद्धि कर सकता है। सेहत की बात करें तो आज काफी व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन इसके कारण अपनी एक्सरसाइज को ना छोड़ें। जिम में आज नई मशीन पर मेहनत करके देखें। आप फिटनेस के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी को हरी दूर्वा चढ़ाएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ती रहें। आपका दिन शुभ हो।